वाह भाई वाह, तालियां। तरह की प्रोफेशनल लीग होती है, हर दिन एक नया मैच और एक नया मैच विनर, एक नया यंग टैलेंट और एक नया सुपरस्टार। जी हाँ, इसको कहते हैं आईपीएल, घंटी की पीएसएल और घंटे के फैन। ये देख लो, ये होता है आईपीएल, जो कहते हो ना आईपीएल, ये लीग है वो लीग है। आईपीएल के जब से मैच स्टार्ट हुए ना भाई, हर रोज कोई ना कोई आईपीएल को स्टार मिल रहा है। स्टार चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो। आपने देखा कि आज वाले मैच में कोलकाता नाइट राइडर ने भाई 272 रन का टारगेट दिया है दिल्ली कैपिटल को, और जो उसमें मेन आज देखने वाले प्लेयर हैं, जो जिन्होंने आज एक बता दिया कि भाई हाँ मैं भी इंडिया के कैंप में हूँ, ये अंडर 19 से आया हुआ एक प्लेयर है जिसने अपनी बहुत ही बड़ी एक धाक बिठा दी है, और 200 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की है। तो इस प्लेयर के बारे में बात करते हैं कि ये प्लेयर कौन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हमारी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कॉमेंट लाजमी किया करो। तो बात करते हैं दोस्तों, आज कोलकाता नाइट राइडर और दिल्ली कैपिटल के दरमियान एक शानदार मैच था, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि भाई कोलकाता नाइट राइडर बहुत ही ज्यादा अच्छी फेवरेट टीम होती है हमेशा, किंग खान की वजह से। आरसीबी की तो आरसीबी तो वैसे भी किंग कोहली की वजह से है, लेकिन केकेआर भी भाई पाकिस्तान में एक अच्छी टीम समझी जाती है और फेवरेट टीम समझी जाती है। अंकरेश रघुवंशी भाई ये प्लेयर है वो। मुझे थोड़ा सा नाम बोलने में ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि तो नाम भाई खिलाड़ी का थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। अंकरेश रघुवंशी, जी हाँ, ये 19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, जिसने अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है। इस बंदे ने आज भाई केकेआर की तरफ से 27 गेंदों पर 54 रन बनाए हैं, और खुद के किंग खान भी भाई वो तालियां बजा रहे थे, शाहरुख खान। अच्छा, बात कर रहे थे कि हर रोज नए एक सुपरस्टार मिल रहा है। 2-3 दिन पहले आपने देखा कि भाई वहां पर आपके स्पीड स्टार मयंक यादव, उन्होंने 157 किलोमीटर की रफ्तार से काल गेंद फेंकी और पूरी दुनिया को हिला डाला। उसके बाद अंकरेश रघुवंशी आज अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भाई रिंकू सिंह को कौन भूल सकता है। रिंकू सिंह ने भाई आज 8 गेंदों पर 24 रन बनाए हैं, और इतनी धुआंधार बैटिंग थी कि कमाल कमाल बैटिंग थी। अच्छा यार, एक और मैं बात भी आईपीएल की तारीफ करूंगा कि आईपीएल ने वर्ल्ड T20 से पहले, केकेआर ने वर्ल्ड T20 से पहले वेस्ट इंडीज को एक बहुत ही अच्छा प्लेयर दे दिया है, ओपनिंग प्लेयर, और वो है सनील नारायण। जी हाँ, सनील नारायण काफी अर्सा पहले केकेआर की तरफ से बैटिंग करते थे, लेकिन उनको कभी अपनी टीम की तरफ से चांस नहीं मिल सका, लेकिन फाइनली भाई 2 मैचेस में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है ना, आज भी उन्होंने स्कोर मारे हैं कोई 84 रन मेरे ख्याल में मारे हैं, और वो भी 85 रन भाई 39 गेंदों पर 217 का स्ट्राइक रेट, जिसमें 7 छक्के थे। तो प्लेयर की भाई तारीफ तो बनती है, लेकिन अगर हम रिंकू सिंह और जो है वो अंकरेश रघुवंशी की भाई अगर बारी की बात करें ना, वो काबिले तारीफ नहीं, क्योंकि भाई वो यंग इंडियन टैलेंट है, और यंग इंडियन टैलेंट जब भी आता है ना, हम उसको प्रमोट करते हैं, हम बात करते हैं उनके बारे में, क्योंकि ये जो नए प्लेयर आते हैं भाई, इनको अभी से जो सपोर्ट करते हैं, फिर आगे यही प्लेयर उनके मैच विनर बनते हैं। अभी भाई ये जो रोज नए नए प्लेयर आ रहे हैं आईपीएल से, इसका फायदा होना है इंडियन क्रिकेट को, क्योंकि इंडियन क्रिकेट का जो बेंच है वो भाई पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन अब बेंच तो आप समझे कि इतना स्ट्रांग था कि भाई किंग कोहली जैसे प्लेयर भी सर्वाइव नहीं कर रहे। किंग कोहली जैसे प्लेयर को भी के सर पर भी तलवार लटक रही है कि भाई हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी देखें एक और नया प्लेयर आ गया, एक और नया बैटिंग टैलेंट, तो किस किस को खिलाएंगे ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन इंडिया की टीम में जगह बनाता है, क्योंकि भाई इतना टैलेंट है, समझ भी नहीं आ रही कि किस बंदे को कहां पर खिलाया जाए, और ऊपर से सीनियर बैट्समैन भी हैं, उनको भी नहीं हटा सकते। तो भाई जो आज इस बंदे ने बारी खेली है ना, इसने आज कमाल की एक बारी खेल दी है, और सेकेंड हाईएस्ट ये जो है वो स्कोर बन चुका है भाई, सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोर।
270 आरसीबी और फिर ये आज 272, काफी ज्यादा अच्छा स्कोर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो से आप लोग बताने बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। अगली वीडियो तक हमें यार बहुत सारा प्यार।